नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का आगमन। आज मांडा के अंतर्गत राजापुर भरारी बाईपास में माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हुआ। मौजूद मेजा की विधायक नीलम उदय भान करवरिया एवं योगेश शुक्ला इत्यादि लोग मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को डबल इंजन की सरकार कहा और सपा के गुंडों की सफाई का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि अभी ये तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है और अगर सपा को एक वोट देने पे 10 गुंडे पैदा होते हैं। इस कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति रही। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, विकास मिश्रा की रिपोर्ट। जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को यहाँ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी 27 को आपको मतदान करना। 10 तारीख को वोटों की गिनती होनी है और 10 तारीख को 11 बजे ही सपा बसपा कांग्रेस का 12 बज जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद आज के लिए आया हूं। 2014 में जब देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, बताइए गरीबों की भलाई का काम मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी होता था क्या? गरीबों के पास पहुंचता था क्या? किसानों का अधिकार किसानों के पास पहुंचता था क्या? और 2017 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने से पहले क्या गुंडों अपराधियों पर नियंत्रण किया जा सका था क्या? आपने जब डबल इंजन की सरकार बना दिया तो देश और प्रदेश के अंदर एक नया जोश और उत्साह देखने को मिला। मैं आज सब लोगों को भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि 2017 से 2022 तक जो आपने सरकार देखी है यह सरकार तो एक ट्रेलर दिखाने का काम हुआ है, असली पिक्चर तो 10 मार्च के बाद दिखाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता एक साल में 2000 की 3 किस्त के माध्यम से आपको 6000 रुपया भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? दोनों हाथों में कहीं भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? मोदी जी की सरकार है इसलिए आपके पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आ रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं आ रही है। मैं आप सब लोगों को यह निवेदन करना यहाँ पर चाहता हूँ, अभी बहुत कुछ आना है। हमने कोई नोट नहीं छापा या नक्शे, हमने जो बेईमान आपका हक खा जाते थे उन बेईमानों को बीच में से निकाल करके फेंक दिया बंगाल की खाड़ी में और इसके कारण से आपका हक आप तक सीधा पहुंच जा रहा है। बेईमान बेईमानी नहीं करने पा रहा है, भ्रष्टाचार नहीं करने पा रहा है, इसलिए विकास की गंगा जो बह रही है इसको बहाने के लिए आपका समर्थन चाहिए। अभी सपा बसपा कांग्रेस वाले भी आपके बीच में आए होंगे या आ सकते होंगे, लेकिन यह समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है कि नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब गुंडागर्दी खत्म और समाजवादी पार्टी की सरकार का मतलब गुंडागर्दी शुरू। गरीबों के जीवन की खुशियों को आंच बताने देना, मुझे पता चला है, अभी मुझे बताया गया यहाँ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी भाषा शैली ठीक नहीं है। अब जब समझ लीजिए कि उनके सरदार की भाषा ठीक नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी की, वह पुलिस वालों को जो उनकी सुरक्षा में लगे हैं उनके बारे में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनके गुंडे जहां सभा होती अभी से गुंडाई करना शुरू कर दिए, उनको नहीं मालूम है कि 10 मार्च के बाद श्री अखिलेश यादव जी उनको बचा नहीं पाएंगे, उनका क्या होगा। इसलिए आप सबसे विनती करके जा रहा, ऐसे आप शब्दों का प्रयोग करने वाले, ऐसे किसी का उत्पीड़न करने वालों से डरना मत। एक काम कर लेना, कोई आपको बूथ में डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उसका डायरी में नाम नोट कर लेना। कर तो गई है, समाज तक हमारा ध्यान नहीं बटना चाहिए, हमारा ध्यान अपने मतदान केंद्र पर रहना चाहिए, कमल के फूल को खिलाने पर रहना चाहिए। 10 मार्च के बाद सरकार शपथ लेने के बाद जो गुंडागर्दी करने वाले अपराध करने वाले हैं उनकी सूची बना करके भिजवा देना, उनको ठीक कर देने का काम कर दूंगा, आप चिंता मत करना। अभी मेरे पास सूचना आई कि श्री नेपुलाल सोनकर जी जो बसपा के नेता के रूप में रहे हैं आज भाजपा परिवार का हिस्सा बन रहे हैं।
मैं स्वागत करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे लोग जितने हैं उनको सबको भाजपा मिला, वो सपा बसपा कांग्रेस में अच्छा व्यक्ति अब कोई रहना नहीं चाहता। बसपा लगभग खत्म है, सपा लगभग समाप्त होने जा रही, कांग्रेस तो वैसे भी कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर, ये करने की जिम्मेदारी आप सबके हाथ में है। मुझे आगे और भी कई सभाएं हैं, वहां जाकर के अभी आप सबको भी सूचना मिली होगी, आपको शाम को अभी 4:30 बजे से प्रयागराज शहर में भारत के गृह मंत्री वर्तमान राजनीति के चालक माननीय श्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और उनके आगमन पर एक बड़ा रोड शो रखा गया। मैं आप सबसे अपील करता हूं, जो लोग पहुंच सकते हैं उस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे और कमर खिलाए नीलम करवरिया जी को एक बार फिर से विधानसभा में विजयी बना करके भेजने का काम करें। और मैं वोट नहीं, वोट के रूप में कर्ज लेकर के जा रहा हूं, कर्ज लेकर के और ब्याज के साथ चुकता कर दूंगा, या मेरा आप सबसे वादा है। ये निवेदन करके आप अपनी के दुनिया के नाम दोनों हाथ ला करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में यहाँ की लोकप्रिय विधायक जिन्हें आप 27 तारीख को फिर से विधानसभा में भेजने का दायित्व पूरा करने का काम करेंगे, ऐसी आदरणीय नीलम करवरिया जी के समर्थन में मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ, कमल खिलाने की भरपूर पुरजोर अपील करने के लिए आया हूँ। मंच पर हमारे अध्यक्षता करने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय मंगलदेव द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष विभवनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी की न्यूज के साथ।